This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. जिला मंडी के बल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंडियाल भडियाल व नगर निगम के वार्ड नंबर 14 बहना के बाशिंदों का एक प्रतिनिधि मंडल चंडियाल पंचायत के उप प्रधान रवि सिंह चंदेल की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल से मिला और 3 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री विधायक बल और जिला प्रशासन को ज्ञापन भेजा। मांग पत्र के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल ने एडीसी मंडी को जल्द समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। स्कूल को लाइव रखा जाए, साथ में दीवारें दें लोग। इस दौरान चंडियाल पंचायत के पूर्व प्रधान रवि सिंह चंदेल ने कहा कि प्रशासन को सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि चंडियाल पंचायत में सुकेती खंड में बनने वाले पुल के कारण साथ लगते 3 मोहल्लों जिसमें चंडियाल भडियाल रठोवा व बहना के निवासियों को भारी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माणाधीन पुल की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन से चंडियाल से भडियाल के बस स्टैंड तक रोड निकालने की मांग की है ताकि 2 पंचायत के करीब 5,000 लोगों को इसका लाभ मिल सके। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तीनों दो हमारी ग्राम पंचायत है, एक बढ़ियाल एक चंडियाल, उसके साथ साथ नगर निगम की 14 नंबर वार्ड, उसकी समस्या के लिए हम एडीसी साहब से मिले। हमारी समस्या नंबर एक, जो 4 लेन के ऊपर जो पुल का निर्माण हो रहा है उस पुल को कम से कम 2-3 मीटर ऊपर उठाया जाए, उसके साथ जो है प्रोटेक्शन वाल नहीं लगाई जाए। अगर प्रोटेक्शन वाल जितना भी है वो पुली तक खुला रखा जाए, उसको अगर उसको खुला नहीं रखा उसकी वजह से क्या होता है, हमारे वहाँ से ऊपर से भडियाल नाला आता है, सेकड़ नाला आता है, वो जो पानी जब सुकेती खंड का पानी आता है जो सेकड़ नाला भडियाल नाला का पानी पीछे हटता है और हमारे गाँव में जितने घर भी हमारे गाँव के निवासी हैं जिनकी खेती बाड़ी है और पूरा बहना भडियाल चंडियाल पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है और बड़ा नुकसान होता है, हमारे खेतों में पानी घुस जाता है। उसके लिए हमने डी साहब से बात की, एडीसी साहब से बात की, एडीसी साहब ने बोला हम एक्शन लेंगे, हम उनका धन्यवाद करेंगे। उसके साथ साथ हमारी एक और डिमांड थी, जो हमारा भडियाल नाला है बरसात के दिनों में बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेता हो, उसको चैनलाइजेशन किया जाए और उसके अंदर जो वहाँ के मतलब वो जो भडियाल नाला है भडियाल और चंडियाल की सीमा पर पड़ता है, जो उनके साथ वहाँ बनेदार है उन्हें उस नाले को जो है अवैध खनन कर रखा है, उसके अंदर अवैध कब्जा किया हुआ है और उसके अंदर जो है एक हमारी पाइप फैक्ट्री है। पाइप फैक्ट्री वालों को बार बार आगाह करने के बाद भी पंचायत द्वारा भी आगाह किया, पिछली दफा हमने एसडीएम साहब को चिट्ठी लिखी, प्रशासन को बताया भाई ये जो पाइप फैक्ट्री वाला जो रॉ मटेरियल जो पाइप फैक्ट्री के अंदर डाल देता है जिससे नाला बंद हो जाता है और पानी हटके पीछे लोगों का नुकसान कर रहा है, उससे हमारी सड़क को भडियाल जो भडियाल के लिए मलवाना सड़क गई, भडियाल से मलवाना सड़क जाती है, उस सड़क के ऊपर भी खड्डे खड्डे हो गए, सड़क भी डैमेज हो गई। और नंबर 3 एक डिमांड हमारी और है, जो 4 लेन बन रही है हमारा मोक्ष धाम है रुंझी माता भडियाल के नीचे, उस मोक्ष धाम से उसके लिए मोक्ष धाम के लिए भी हमारे पास हमारे कोई रास्ता नहीं है, मोक्ष धाम से लेके जो हमारा बस स्टैंड है भडियाल तक वहाँ एक सर्विस रोड निकाला जाए, उस रोड के निकालने से हमारी 2 पंचायतें ग्राम पंचायत भडियाल चंडियाल नगर निगम बैना उसके साथ कांडी तारापुर जो कि हमारे भडियाल से 4-5-6 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, उन लोगों को सभी को फायदा होगा। टिक्कर हो गया, मलवाना हो गया, भडियाल हो गया, इसकी पॉपुलेशन कम से कम 6,000 के करीब है, उन लोगों को सबको फायदा होगा। इसके साथ ही डी साहब ने हमें आश्वासन दिया, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से हम जब छुटकारा होगा हमारा इसके बाद हम NHA वालों से मिलेंगे, उनके पास डिमांड रखेंगे, अगर हमारी डिमांड नहीं मांगे मानेंगे, अगर उन्होंने अब उनको 1 हफ्ते का टाइम देंगे, अगर 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने उस पुल का कार्य मत उसके साथ जो दीवार दे रहे उसको बंद नहीं किया तो हम वहाँ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।